अगर ये टूट गया तो समझ जाइए कि भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। इसलिए जब आप हेलमेट लगाइएगा ना मोटरसाइकिल का, किसी के पास हेलमेट है अभी क्लासरूम में? किसी के पास नहीं है? आगे पीछे यहाँ अभी क्लासरूम में है या नहीं है पीछे? हाँ पहुंचा पहुंचा, देखे देखे कौन सा हेलमेट है। हाँ लाओ, ये फालतू हेलमेट लेके रखा है, जल्दी पहुंचा। लड़की को मत देना ना, चला देगी वो। कल एगो को चाबी फेंकना था तो सीधे फेंक दी बाहर। देखिए ये बाबू फैशन के चक्कर में कैसन हेलमेट लिया, ये हेलमेट सही नहीं है। देखिए ये हेलमेट जो है, क्या जी पूरा जाम हो गया ही तो? ये तुम ही पहनते हो कि किसी? ये जो अगर हम हेलमेट इसको पहनेंगे, इसमें समस्या समझिए क्या होगा। इस हेलमेट को पहनने के बाद अगर बाय द वे एक्सीडेंट होगा तो मेरा तो नीचे का जो जबड़ा है इस ससुरा सीधे सड़क पे रगड़ाएगा। हाँ तो फायदा कौन सी हुआ? खाली खोपड़िया बचा के आई कपार। कभी भी ये वाला जो है ना, यहाँ वाला हेलमेट दिया कीजिए, समझ रहे बाबू? 500 रुपया और जोड़ दीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा। जिंदगी बहुत प्यारा है, समझ में आ गया। और चेहरा वगैरह तो और गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा खर्चा आता है, और ये जबड़ा की हड्डी टूटती है ना तो शक्ले टेढ़ हो जाता है। तो बेहतरीन काम कीजिए, किसी चीज को अधूरा नहीं कीजिए। हेलमेट पहन ही रहे हैं, अच्छी बात है, तो पूरा बचा के पहनिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आधा पहनने, लड़की सब तो एक कटोरा पहन लेती है। इस कुटिया में देखते हो ये कोई इतनी चुकी थरिया ही सन रहेगा। कौन कह रही है मेरा? लड़की सब में है किसी का वो कटोरिया वाला? सबका वही रहता है, जानते हो क्या लगाती है सर? बाल नहीं बिगड़े, हकीकत यही है। चश्मा पहने की से लगेगा बुलेट प्रूफ है, इतने बड़का। लेकिन हाँ थोड़ा सही से लड़की गाड़ी चलाती है, ट्रक वरक आएगा तो ओवरटेक नहीं करेगी, उतर के खड़ा हो जाएगी, शिशु चल जाएगा फिर आराम से। स्कूटी से हमसे चलता ही नहीं है, बहुत डर लगता है। एक के बार हम चलाए लड़ा दिए, उसमें गियर ही नहीं होता है। बाइक चलाने का आदत है, जब तक क्लच हाथ में गाड़ी की कोई औकात ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता है, आईटो भाग जाएगी। तो ये आप समझ में आ गया, कभी भी हेलमेट लीजिए तो पूरा ये वाला कवर करके लीजिए। लेकिन लड़की लोग कभी नहीं लेगी, उसको दिखबे नहीं करेगी, उसमें ऊट पहन लेगी तो लगेगा कि लाठी में घैली टांगल है। टोटल हड्डी समझ में आ गया।